पांच सूत्रीय मांगों को लेकर आयुर्वेदिक कॉलेज के विद्यार्थी हड़ताल पर उतरे, काली पट्टी बांध कर जताया आक्रोश। कॉलेज विद्यार्थियों ने हाथ पर काली पट्टी बांधी और नारेबाजी की। डॉक्टर लोकेंद्र यादव ने बताया कि पूरे प्रदेश के 3000 छात्र हड़ताल पर हैं। उज्जैन में भी 300 विद्यार्थी हड़ताल कर रहे हैं। हमारी पांच मांगों में पहली मांग शिष्यवृत्ति में वृद्धि की है। हम आयुर्वेद अधिकारी पदों पर हर साल भर्ती और नए पद सृजित कराना चाहते हैं। इसी तरह आयुष डॉक्टरों को इमरजेंसी हालात में एलोपैथिक उपचार की अनुमति और प्रदेश में 1000 आयुष हॉस्पिटल खोलने की घोषणा पर तत्काल अमल चाहते हैं। इसके साथ ही आयुष विभाग के लिए पृथक से जबलपुर में यूनिवर्सिटी स्थापित करने की मांग भी करते हैं। जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी, हमारी हड़ताल जारी रहेगी। डॉक्टर यादव के मुताबिक विभाग की पीएस ने संपर्क किया है। विद्यार्थियों ने कॉलेज परिसर में ही सड़क पर धरना शुरू कर दिया। यहाँ कतारबद्ध बैठे विद्यार्थी ने अपने अधिकारों के लिए जमकर नारेबाजी की। हम शासन के लिए सामने प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारा पांच सूत्री मांगे इस प्रकार से हैं। सबसे पहले हमारे जितने भी शिष्यवृत्ति से संबंधित स्नातकोत्तर हो या फिर गृह चिकित्सक हो, सभी को वो जो भी शिष्यवृत्ति मिलती है उसको CPI के मूल्यांकन से जोड़ा जाए और उनकी शिष्यवृत्ति में वृद्धि की जाए। दूसरा, जो हमारी आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी की PSC आती है उसको प्रतिवर्ष किया जाए तथा नवीन पदों को निरंतर रूप से सृजित किया जाए। तीसरी जो मांग है हमारी, वो अपनी इमरजेंसी में एलोपैथिक चिकित्सा की परमिशन दी जाए आयुष डॉक्टरों को। और इसके बाद में जनसंकल्प 2013 के अनुसार 1000 आयुष औषधालय खोलने की निर्णय लिया गया था, जिसमें से केवल अभी तक 148 ही आयुष औषधालय खुले हैं, बाकी के अभी पेंडिंग है, तो उन पर भी जल्दी से जल्दी निर्णय किया जाए।